हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लेते हैं एक बार। जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो क्या है, सिंपली वन के डिवाइड में क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और ब्रैकेट में हमारा 1 - 10x और इसका स्क्वायर, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऊपर लेके जाते हैं, ओके। तो जब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ओके। पता है आपको क्या होता है, 1/ में कॉस एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स के। तो ये 1/ स्क्वायर है तो ये किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर के, ओके। अब देखो डिवाइड में कितना बचेगा, 1 - 10x इसका स्क्वायर डी एक्स। इतना करने के बाद क्या करना है, नीचे वाले टर्म को टी पुट करना है, यानी 1 - 10x को टी पुट करना है। क्या करना है, लेट 1 - 10x इक्वल टू टी। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो देखो 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 0, ओके, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 10x का कितना आएगा हमारा, sec स्क्वायर एक्स, माइनस का है तो माइनस का आएगा, साथ में dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया हमारा, अब माइनस नहीं है कहीं पर भी, तो माइनस को हम इस तरह भेज देंगे कि आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt, ओके। तो इसको छोड़ते हैं यहीं पर। अब यहाँ देखो sec स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस का dt, तो माइनस से मैंने कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, dt अंदर, ओके। नीचे वाले टर्म को क्या माना था हमने, टी। अब देखो 1 - 10x को हमने टी माना था, स्क्वायर बचा तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओके। अब इसको करना है डायरेक्ट इंटीग्रेट। अब देखो मैंने बताया था 1 - log x कब होता है, 1/x हो या 1/t हो, अगर उसकी पावर आ जाती है 2, 3 लाइक दैट, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं हम, उसको ये नहीं करते लॉग टी का स्क्वायर, ओके। तो ये गलत है, तो सिंपल क्या करना, माइनस इंटीग्रेट करना है टी माइनस टू को। सिंपल मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को मैं ऊपर लेके चला गया, ओके। अब फॉर्मूला लगा दो, हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, टी पावर जो होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो सिंपल भी नीचे भी क्या आ जाएगा, वही सेम प्लस सी कॉन्स्टेंट, ओके। देखो माइनस एज ये क्या जाएगा, टी की पावर -1/-1। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ओके, यानी कि प्लस, और टी कितना आ जाएगा डिवाइड में 1/t। कैसे, ये माइनस ये माइनस, प्लस हो जाएगा, टी की पावर -1 है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ओके, और प्लस में सी। अब सिंपली क्या करना है, हमने टी किसको माना था, हमने 1 - 10x को, तो सिंपली यहाँ पुट कर देना 1 - 10x + c, ओके। ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन, ओके। सिंपल था, क्या करना था, सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाना था तो हमारा sec स्क्वायर हो जाता, फिर अंदर वाले 1 - 10x को टी पुट करना था और सिंपल सॉल्व करना था, ओके। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।